Students of class 5th, we are going to do the third unit of your English reader, and the theme of this particular unit is where there's a will. I hope you all are aware about the saying, which is where there's a will, there's a way. It's a much famous proverb, which means jahan chaah wahan raah. Okay, so a proverb is such a phrase or a sentence that gives advice or says something that is generally true. Okay, so proverb जो है वो कोई advice देता है या कुछ ऐसी चीज बताता है जो कि आमतौर पर सच होता है. Now next, here it is given, in your opinion, which of the following options conveys the correct meaning of the proverb, where there's a will, there's a way. Okay? So, आपके हिसाब से इन तीनों में से, okay? इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट मीनिंग कन्वे करता है इस प्रोवर्ब का. इफ यू विश यू कैन मेक अ रोड फॉर योरसेल्फ, अगर आप चाहो तो अपने लिए एक रोड बना सकते हो. okay? There's a way मतलब रास्ता, तो रास्ता यानी कि रोड बना सकते हो. सेकेंड है, वेर एवर यू फाइंड अ विल, देयर विल बी अ रोड फॉर यू. अब सेकेंड का मतलब है कि जहां कहीं पे भी आपको कोई एक इच्छा होगी तो वहां पे एक रास्ता भी होगा आपके लिए. एंड द थर्ड इंटरप्रिटेशन इज, इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, यू विल सर्टनली बी एबल टू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट. ओके, तो अगर आप सच में, इफ यू रियली सच में कुछ करना चाहते हैं, you will certainly, certainly means sure, pakka, aapko koi na koi tarika mil jayega, you will be able to find a way of doing it. theek hai, to matlab aap sach mein agar kuch karna chahenge to aapko koi na koi rasta ya tarika use karne ka mil hi jayega. theek hai, aapke opinion mein in teeno mein se kya iska matlab hoga. theek hai, aapke hisab se. now next, you have to look at the describing words and take those which can help you to find your way and make you successful. And many of you told me during the class that, ma'am, the meaning of all these words is not clear. So I am discussing it here with you. Just try to understand it clearly. ये सभी words बेटा कुछ एक तरह से इन्हें आप synonyms कह सकते हो कुछ positive character traits के लिए, और जिन पे cross लगा है वो negative character traits के लिए. ठीक है, सो ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक लोगों के लिए. ऑप्टिमिस्टिक वर्ड यहाँ भी गिवन है, आशावादी, जिनको हमेशा कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है. ठीक है, और पेसिमिस्टिक जो हर अच्छे में भी बुराई ढूंढ लेते हैं. पेसिमिस्टिक जो कि सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, सो देयर आर, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. तो ये सारे डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि अगर आप याद कर लोगे तो ये सब जो है एक तरह से एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. So, यहाँ पे किस के लिए आपको टिक करना है. आई कैन रीच माई गोल इफ आई एम. अब कुछ भी आपने जो गोल अपने लिए निर्धारित कर रखा है, चाहे वो ये हो कि आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है, खूब हेल्दी होना है, जो भी आपका एम है, ठीक है, कैसा भी एम हो चाहे, वो आप तभी पा सकते हैं अगर आप में कुछ क्वालिटीज हो. तो वो कौन सी है, इसमें से कौन सी गुड क्वालिटीज है और कौन सी बैड है, वो आपको ढूंढनी है. ठीक है, जैसे फर्स्ट इज गिवन नर्वस. नर्वस मींस आप खुद में सोच रहे हैं हर एक चीज. तो अगर आप कुछ करने जाएंगे, कोई भी काम करने जाएंगे, नर्वस होंगे तो आपको डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे. लाइकवाइज रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मींस फर्मली रिजोल्व टू डू समथिंग, कुछ चीज करने का आपका पक्का निश्चय हो, तो डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मींस दैट यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी. आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए. ठीक है, या ऐसा अच्छा अच्छा ही होगा, आप कुछ बुरा नहीं सोच रहे. शेकी मतलब कि आप अपने ही डिसीजंस पे जो है रिजिड नहीं है, आपको खुद पे ही डाउट है. ठीक है, वही डाउटफुल. ठीक है, शेकी हैं, घबरा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, डाउटफुल हैं, अपने आप पे विश्वास ही नहीं है. मैंने कह दिया कि आपको फर्स्ट आना है, बट आप जो हो सोचते हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं आ सकता. ठीक है, काम. काम मतलब शांत, एकदम शांत होके पढ़ाई करते हो तभी अच्छे मार्क्स आते हैं, या बड़े परेशान होके करते हो तब नहीं आते. सो काम, शांत होना भी सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है. एंशियस. एंशियस मींस उत्सुक होना. ठीक है, अब ये पॉजिटिव ट्रेट में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी. हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम सक्सेसफुल बनेंगे अगर हमें थोड़ी उत्सुकता होगी कुछ नया, कुछ अच्छा जानने की. सो आई पुट अ टिक ऑन इट.
नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, पक्का निश्चय हो, अगर एक बार मार्क्स कम आ गए टेस्ट में कोई बात नहीं, हम दोबारा से मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे. सो स्ट्रॉन्ग विल्ड इसे कहा जाता है, अच्छी इच्छा शक्ति वाला, डिटर्मिंड, फोकस्ड. ओके, अब चाहे बुरे मार्क्स आ गए, आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, फिर से नहीं आए, पर आप फोकस्ड हो कि मुझे चाहिए 10 में से 10 चाहिए, तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा. सो दैट इज फोकस, कि हाँ क्या अचीव करना है और कैसे करना है. कंफ्यूज्ड, आपको ही नहीं पता कुछ भी, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल अगर आप कंफ्यूज हो गए. कॉन्फिडेंट, अगर खुद पे भरोसा होगा तभी कुछ अचीव कर पाएंगे. ठीक है, देन टिमिड, टिमिड मीन्स भयभीत होना, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ करेजियस. ठीक है, मतलब कि डरपोक सा बनना, तो डरपोक हो गए तो नहीं कर पाओगे कुछ भी अचीव. एक्साइटेड, यस, अगर आप खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए कोई चीज को करने के लिए, उत्सुकता होगी तभी आप कर पाएंगे. एंथुसियास्टिक, खूब जोश होना चाहिए. अगर आप में सफल होने के लिए जोश ही नहीं है तो डेफिनेटली फिर भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आपको टिक लगाना है उन क्वालिटीज पे जो होनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और क्रॉस उन पे जो कि नहीं होनी चाहिए. और ये भी ध्यान में रखना, आपको यही पॉजिटिव क्वालिटीज हमेशा ही अपने आप में लेकर के आगे चलना है अपने फ्यूचर में. नेक्स्ट इज ए पार्ट ऑफ आवर चैप्टर हियर. द क्वेश्चन इज, हैव यू एवर ट्राइड टू एनालाइज योरसेल्फ, डू यू फेस अ सिचुएशन रेडिली और डू यू ट्राई टू अवॉइड इट. क्या आपने कभी खुद को एनालाइज करने की कोशिश की है? आपको एकदम से कोई सिचुएशन आप फेस करते हो या उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो? और जो फॉलोइंग सिचुएशन, यानी जो नीचे अलग अलग सिचुएशंस लिखी हैं, उसमें आप क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं, 5 किए गए आपसे. सो पहला है, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं? एडमिट इट, मान लेते हैं, या किसी और पे इल्जाम लगा देते हैं, होल्ड समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो यू ऑब्वियसली विल टेक ऑन व्हाट यू डू. मैंने यहाँ पे आंसर कर रखा है जो कि मुझे अपने हिसाब से लगता है, आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है इसे. सेकेंड इज, व्हेन यू सी अ पर्सन बेटर देन यू, डू यू ट्राई टू. जब आप अपने से बेहतर कोई पर्सन देखते हो तो क्या आप कोशिश करते हो लर्न फ्रॉम हिम, उससे सीखने की, प्रूव हिम टू बी इन्फीरियर, उसको छोटा दिखाने की. जब कोई पर्सन आपसे अच्छा आया, आपके क्लास में किसी बच्चे के जो है मैम ने बहुत प्रेज कर दी, क्यों करी आपको जान के आप उसके लिए उसके जैसा बनना चाहोगे? आपके ब्रदर की बहुत प्रेज करते हैं सभी, आपके फैमिली में आप अपने ब्रदर जैसा बनना चाहोगे, या फिर आप कोशिश करोगे कि उसकी कमियां निकालते रहो? ऑब्वियसली आप उससे सीखना ही चाहोगे ना. थर्ड इज, व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डू यू ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड द आंसर, फाइंड फॉल्ट विद द क्वेश्चन. सो जब आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो आप आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हो, या उस क्वेश्चन में कोई कमी निकाल देते हो. ठीक है, सो क्या करते हो? व्हेन यू आर अनेबल, अनेबल मींस ना कर पाना, टू स्कोर गुड मार्क्स, आपने बहुत मेहनत की टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई किया, बट अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो क्या करते हो? पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हो अगले टेस्ट में, या थोड़ी देर के बाद सोचते हो नहीं मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए तो मैंने नहीं पढ़ना. सो ऑब्वियसली हमेशा हमें कोशिश ही करने चाहिए पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत करने की. नेक्स्ट इज, व्हेन यू फाइंड योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, अगर आपको आपके टीचर ने कहा कि आप इतना अच्छा कर सकते थे, आज तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, या आज आपने पढ़ाई नहीं की ठीक से, या आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, आपने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, तो ऐसी चीजों में आप क्या करते हो? आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो खुद को, या टीचर की कंप्लेंट लगाते हो कि मैम तो मुझे डांटती रहती है हमेशा? सो व्हाट डू यू डू इन 5 के 5 क्वेश्चंस में, आपको देखना आप क्या करते हैं और टिक लगाना है. और वो मुझे पता है अब तक आप कर चुके होंगे, जिनको क्वेश्चंस नहीं आए थे उनको लगाना है. एंड इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन, यू आर डिटरमिंड टू वर्क हार्ड, बट इफ द सेकेंड आंसर इज योर चॉइस इन ईच केस, यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड चेंज योर एटीट्यूड. ठीक है, सो अगर आपने फर्स्ट आंसर दिया है सभी सवालों का तो आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पर अगर सेकंड आंसर आपकी चॉइस है हर केस में ही, तो आपको खुद को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है और अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है. ठीक है, सो ईमानदारी से इसके आंसर्स आपने टिक करने हैं, और आप सभी की
रिक्वेस्ट पे मैंने इस पर इन दो पेजेस का वीडियो बनाया है. इसके बाद जो स्टोरी है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे. कीप स्टार्टिंग वेल, डू योर वर्क वेल. थैंक यू ऑल ऑफ यू.